हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको इकाई मापन यूनिट मेजरमेंट यानी एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, वो सारी चीज़ आज के वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि 3 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आपको क्या करना है, 10 को 3 से गुना कर लेना है, तो 10 दिया 30 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद है, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसके बाद है, एक फुट में कितना इंच होता है? तो एक फुट में 12 इंच होता है, ठीक है, एक फुट में 12 इंच होता है। इसके बाद है, एक फैदम में कितना फुट होता है? तो एक फैदम में 6 फुट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इस 6 फुट को इंच में बदले, तो क्या करेंगे, 6 को 12 से गुना कर देंगे, तो ये इंच में आ जाएगा, ठीक है। तो एक फैदम में कितना हो जाएगा, 72 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है एक मीटर में। कोई पूछे कि 5 मीटर में कितना होता है, तो 500 सेंटीमीटर। इसके बाद है, एक गज में कितना फुट होता है? तो एक गज में 3 फुट होता है, 3 फुट और 36 इंच होता है। कोई पूछे कि एक गज में कितना फुट, तो 3 फुट होता है और 36 इंच होता है। इसके बाद है, एक यार्ड में कितना इंच होता है? तो एक यार्ड में 36 इंच होता है और एक गज होता है, ठीक है, एक यार्ड एक गज के बराबर होता है और एक यार्ड में टोटल 36 इंच होता है। इसके बाद है, एक फरलांग में कितना गज होता है? तो एक फरलांग में 220 गज होता है, और इसको इंच में बोलेंगे तो इंच में हो जाएगा ये 7920 इंच, ठीक है, एक फरलांग में 220 गज होता है और 7920 इंच होता है। इसके बाद है, एक हाथ में कितना इंच? तो एक हाथ 18 इंच के बराबर होता है, ठीक है, एक हाथ 18 इंच के बराबर होता है। इसके बाद है, एक गट्ठा कितना इंच? तो एक गट्ठा 99 इंच के बराबर होता है, एक गट्ठा में 99 इंच होता है। इसके बाद है, एक जरीब में कितना इंच और कितना गज होता है? तो एक जरीब में 1980 इंच होता है और 55 गज होता है, एक जरीब में 1980 इंच होता है और 55 गज होता है। इसके बाद है, एक किलोमीटर में कितना मीटर? तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, ठीक है। इसके बाद है लास्ट, एक मील में कितना फुट होता है? तो एक मील में 5280 फुट होता है, एक मील में 5280 फुट होता है और 1760 गज होता है, ठीक है, एक मील में 1760 गज होता है, 5280 फुट होता है। आई होप आपको अच्छे से सभी इकाई मापन समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।